उपायुक्त गढ़वा राजेश कुमार पाठक की अध्यक्षता में कोविड 19 के वैक्सीन की तैयारियों को लेकर डीटीएफ की चौथी बैठक समाहरणालय के सभा कक्ष में आयोजित की गई। मौके पर उपायुक्त के द्वारा नीति आयोग के सूचकांकों की समीक्षा भी की गई। बैठक में उपायुक्त के द्वारा सर्वप्रथम कोविड 19 वैक्सीन की तैयारी से संबंधित सभी तरह के लॉजिस्टिक ग्रुप AEFI टिक साइनेंस की आदि की व्यवस्था करने का निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिया गया। कोविड 19 वैक्सीन हेतु जिला अस्पताल एवं अनुमंडल अस्पताल नगर उटारी में दिनांक 8 जनवरी 2021 को ड्राई रन करने का निर्देश भी उपायुक्त के द्वारा दिया गया। उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां भारत सरकार के द्वारा प्राप्त मार्गदर्शक के आधार पर करना सुनिश्चित करें। बैठक में कोविड 19 वैक्सीन एवं पल्स पोलियो उन्मूलन टीकाकरण से संबंधित सभी तरह के प्रशिक्षण वैक्सीन एवं मोबिलाइजर को दिनांक 10 जनवरी 2021 से पूर्व पूर्ण कर लेने का निर्देश उपायुक्त द्वारा किया गया। पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान में सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं व सहयोगियों के द्वारा बूथ दिवस पर आवश्यक रूप से सहयोग करने का निर्देश जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को दिया गया। समीक्षा के क्रम में TPM कोविड टेस्ट पर नियमित में लक्ष्य के अनुरूप पीछे रहने पर उपायुक्त द्वारा नाराजगी जताई गई तथा इसमें सुधार करने का निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिया गया। इसके अलावा कुपोषण उपचार केंद्र में बेड ऑक्सीपेसिन रेट को भी बढ़ाने तथा जिले वासियों को इससे लाभान्वित करने की दिशा में कार्य करने का निर्देश DPM स्वास्थ्य विभाग को दिया गया। बैठक में उपायुक्त के द्वारा नीति आयोग के एक्सप्रेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की भी समीक्षा की गई। समीक्षा में नीति आयोग के सूचकांकों यथा स्वास्थ्य एवं पोषक शिक्षा, फाइनेंशियल एक्सक्यूजल, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर व कृषि समेत अन्य की समीक्षा भी की गई तथा इसमें लक्ष्य के अनुरूप सुधार करने का निर्देश संबंधित विभागों को दिया गया। मौके पर उपायुक्त गढ़वा के अलावा उप विकास उपायुक्त गढ़वा, निर्देशक DRDA गढ़वा, सिविल सर्जन गढ़वा, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी गढ़वा, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक गढ़वा, जिला शिक्षा पदाधिकारी गढ़वा, जिला कृषि पदाधिकारी गढ़वा, प्रभारी पदाधिकारी गोपनीय शाखा गढ़वा, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी गढ़वा, जिले के विभिन्न विभागों से आए पदाधिकारी व चिकित्सक समेत अन्य उपस्थित थे।